उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा द्वारा संपूर्ण ब्रज मंडल में निकाली जा रही विपरीत चेतना यात्रा का आज अंतिम चरण में छाता विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पुष्प वर्षा एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। आज यात्रा का सर्वप्रथम छाता स्थित भारद्वाज मार्केट परशुराम चौक पर सुश्री भारद्वाज ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल के सचिव डॉक्टर घनश्याम मिश्र एवं विधानसभा संयोजक पंडित भारत शर्मा के नेतृत्व में सभी का भव्य स्वागत किया गया। मिली जानकारी के अनुसार यह यात्रा प्रमुख रूप से संपूर्ण ब्रज मंडल को तीर्थ स्थल घोषित कराने एवं ब्राह्मणों को एकजुट करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। ब्राह्मण सभा के संरक्षक रमेश दत्त शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण हमेशा ही सर्व समाज को लेकर चलता है। कहा कि गोवर्धन चौक पर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगानी चाहिए, यह विगत 15 वर्षों से प्रस्तावित है। प्रवक्ता बिहारी लाल वशिष्ठ ने ब्राह्मणों पर हो रहे अपराधों की निंदा की और कहा कि सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। संपूर्ण ब्रज मंडल में अंडा मांस एवं शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ब्राह्मण कीर्ति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र भारद्वाज ने बताया कि संगठनों एवं गोत्रों पर बाढ़ना ब्राह्मण समाज के लिए अत्यंत घातक है। संयुक्त स्वाभिमान की रक्षा हेतु इस यात्रा का आयोजन किया गया है। आपकी जो चेतना यात्रा निकाली जाएगी, मैंने अपनी आईडी लगाई, क्या उद्देश्य? विप्र चेतना हमारे जो युवा ब्राह्मण के नेता हैं, उन्होंने ये चेतना विप्र चेतना यात्रा निकालने का प्रयास किया है। 17 तारीख से निरंतर यात्रा चल रही है। आज कोसी और छाता में प्रोग्राम है। यह चेतना यात्रा केवल इसलिए निकाली जा रही है कि ब्राह्मणों पर जो कुठाराघात हो रहा है, देश स्तर पर प्रदेश स्तर पर ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, जिनमें कई ब्राह्मण मारे जा रहे हैं और जो ब्राह्मण अधिकारी उनको अपमानित किया जा रहा है, केवल विप्रों में चेतना हो, विप्र जागें और अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए संघर्ष करें, क्योंकि विप्र हमेशा वसुई कुटुंबों की भावना से ही समाज में रहता है और समाज को दिशा निर्देश देता है। सर्वे बंध सुना सर्वे संत की भावना केवल ब्राह्मण में होती है। आज तक ब्राह्मण ने किसी का हित नहीं किया, लेकिन आज समय का परिवर्तन है। ब्राह्मणों पर ही चारों तरफ से अत्याचार हो रहे हैं, मारा जा रहा है उनको, उनको कहीं नौकरी नहीं है। जो योग्य बच्चे हैं वो सड़क पर घूम रहे हैं और जो दीगर बच्चे हैं वो 20% में जाकर के डीएम और एसएसपी बन रहे हैं, जबकि 90-95% के ब्राह्मणों के बालक सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं, ब्राह्मण देश की सभ्यता है, संस्कृति है और देश की रक्षा करने वाला ब्राह्मण है। आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान ब्राह्मण का रहा, सबसे पहले शहीद हुए मंगल पांडे, तो ये देश हमारा है और हमारे जो अन्य वर्ग हैं हम उसका पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। आज उसी को धराशायी किया जा रहा है, तो ये हमारी चेतना रथ यात्रा जो इसलिए निकाली जा रही है। हम विप्र जागें, उनको बताएं कि आप परशुराम के वंशज हैं और हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं। दूसरी बात, छाता में इसलिए भी हम आ जाए, ये गोवर्धन चौराया है, इसमें हमारे छाता के विप्रों ने ये प्रस्ताव दिया लेकर के नगर पालिका को कि इसको परशुराम चौक घोषित किया जाए, लेकिन आज तक नहीं किया गया। ब्राह्मणों के ही बल पर ये चेयरमैन बनते, चाहे जगपाल रहे हो चाहे वर्तमान में रहे हो, केवल ब्राह्मणों और ब्राह्मणों की बात ये नहीं सुनते हैं और ये परशुराम चौक नहीं बना रहे। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से कि ये परशुराम चौक बनेगा, इसे न कोई चेयरमैन रोकेगा, भगवान परशुराम की जय, कलाकार यहाँ बनवा के रहेगी। इन शब्दों के साथ जय परशुराम। ये हमारे आशीर्वाद आज यात्रा निकाली जा रही है, इसके बारे में बोलो। भगवान परशुराम की जय। ये विपुल चेतना यात्रा, एकता यात्रा सभी ब्रजमंडल में, हमारे सभी 10 ब्लॉकों में, जनपद में निकाली जा रही है, जो कि ब्राह्मण हम लोग जो एकता के रूप में बंधे, आज जो ब्राह्मण धर्म की ध्वजा लेकर भारत की संस्कृति को जिन्होंने पहचान के रूप में दिया, आज ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार सौतेला व्यवहार हो रहा है और सौतेला व्यवहार होने के बाद ब्राह्मणों की हत्याएं की जा रही है, साधुओं की हत्या की जा रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ब्राह्मण आयोग बनाया जाए और ब्राह्मणों को जो है अधिक से अधिक कर्मकांड विद्यालय खोले जाएं। ब्राह्मणों को शिक्षा के क्षेत्र से ही वंचित कर दिया गया है, आरक्षण से भी वंचित कर दिया गया है। ब्राह्मण की एकता हम केंद्र और प्रदेश सरकार को बताना चाहते हैं, यदि ब्राह्मणों के विकास नहीं हुआ और ब्राह्मणों की अनदेखी करती रही तो भविष्य में ये परिणाम बड़े गंभीर होंगे। हम केंद्र और प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण आयोग बनाकर ब्राह्मणों का उत्थान करें। जय हिंद, जय भारत।